हरे कृष्णा। आज की वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए, चलिए हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ हमारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कुछ कर रहे हैं घरेलू उपाय। तो उन लोगों की पिगमेंटेशन किस तरीके से सही हो रही है, कितने टाइम में सही हो रही है, और उनसे मोटिवेट होकर या फिर वो जो कर रहे हैं वो करके आप अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हम इस हफ्ते की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो में यहाँ पर ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस कमेंट में क्या है, मैं पेशेंट से बात कर रहा था, काफी पुराना कमेंट है, चलिए मैं ले लेता हूँ। हेलो जी, अमरीन बात कर रही हूँ। जी ठीक है। आपने बताया था कि आपने 3 मई को बात हुई थी आपके असिस्टेंट से, आपने बताया कि 70% आपको रिजल्ट मिला है पिगमेंटेशन में। जी पिंपल्स निकल रहे हैं आपको और जलन हो रही है आपको। जलन कहाँ हो रही है, पिगमेंटेशन में हो रही है कि पिंपल्स में हो रही है? नहीं सर, चेहरे पर तो जलन कम ही है। कहाँ हो रही है जलन? जलन असिस्टेंट को बोला था मैं, जब बहुत हो रही थी टेस्ट पर, लेकिन टाइम नहीं हो रही। अच्छा, जब असिस्टेंट को आपने बोला था तब हो रही है फोन पर, अब नहीं हो रही जलन इतनी? नहीं अब नहीं हो रही। ठीक है, पिंपल कैसे निकल रहे हैं? सर पिंपल बहुत निकल रहा है मेरे फेस पर। मैंने आपको बोला था कि मेरे फेस में बहुत टाइम से पिंपल निकल रहा है। ठीक है, डिकोरिया भी हो रहा है? जी। तो पिंपल्स का आपको बोले तो 15 ट्रीटमेंट करा है मुझे सर, निकलना नहीं चाहिए ना बहुत। सर पिंपल की स्पेशल दवाई भेज रहा हूँ। जी सर, मैंने आपको बोला था कितने टाइम से मेरे फेस इतना खराब हो गया सर, तो ओपन पोर्स सतह बहुत फेस मेरा खराब दिखता है सर, ओपन पोर्स की वजह से सर, बहुत बड़े बड़े ओपन पोर्स मेरे फेस। ठीक है, मैं दवाई भेज रहा हूँ आपको पिंपल की स्पेशली। बाकी पिगमेंटेशन आपका 70% ठीक हो गया है। जी आपने नवंबर में ट्रीटमेंट शुरू किया था। जी। और पिगमेंटेशन जो आया था केवल और केवल आपको क्रीम लगाने की वजह से आया था ना? स्ट्रोक वजह से हुआ था। कौन सा क्रीम लगाया? क्रीम तो मैंने बहुत लगाया था, पिंपल से काट को बहुत टाइम से निकल रहा मेरे फेस पर, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने अलग अलग ट्यूब दी, और फिर मेरे फेस पे ना पिंपल्स की वजह से ओपन पोर्स हो गए, तो मैंने लेजर करा ली थी, तो उसकी वजह से ओपन पोर्स तो ठीक नहीं हुए, लेकिन फेस तो वो हो गए, पिगमेंटेशन हो गया। ओपन पोर्स तो सर बहुत ज्यादा है सर, ओपन पोर्स भी तो जाएंगे मेरे। हाँ ओपन पोर्स भर जाएंगे आपके, और हाँ सर फेस पर तिल भी हो रहा है मेरे। फेस के तिल भी ठीक हो जाएंगे आप? मुंह पर बहुत ज्यादा तिल हो रहा है। हो जाएंगे ठीक वो भी आपके? हाँ सर, स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, गर्मी आ रही है तो अब इसमें बहुत ज्यादा ऑयली है, और मेरी बॉडी है ना सर। हाँ जी। बॉडी पर ना रेड कलर के बारीक बारीक दाने हो रहे हैं, मस्से बोलते हैं ना जिनको। नॉन वेज तो नहीं खा रही है? नहीं नहीं नॉन वेज नहीं खा रही, आपने मना किया था ना। हाँ बिल्कुल नहीं खाना। मैंने चाय भी नहीं पीती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ चाय, बिल्कुल अच्छी लगती है सर। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो बोले स्टेरॉइड की वजह से आपने खाया ना, स्टेरॉइड लगाया है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पर हो रहा है, तो मैंने बोला सर को बताऊंगी मैं ये। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, जब इतना आराम है तो आगे भी आपको आराम मिलेगा, बाकी स्पेशली दवाई आपको मिल जाएगी पिंपल्स प्लेस पर। जी सर। जो अगले 2 महीने बताएंगे पिंपल्स की कैसे थी आप। जी सर। और ये जो पिगमेंटेशन है सर, ये तो मुझे लगता है घी से ठीक हो जाएगा, प्रोटीन वगैरह लेने से ठीक हो जाएगा, लेकिन आप पिंपल्स और ओपन पोर्स में सर स्पेशली दवाई दीजिए। चलिए ठीक है, वैसे तो एक क्लिप जो है ये लगभग 8 मिनट की क्लिप है, बट मैंने यहाँ पर आपको आधी क्लिप सुनवाई है, बाकी में भी इन्होंने यही चर्चा की है अपनी हेल्थ के बारे में। यहाँ पर जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि 70% इनका पिगमेंटेशन ठीक हुआ है, बर्निंग में इनको आराम हो गया है, पिगमेंटेशन जो आया था इनका वो क्रीम लगाने की वजह से आया था, उसमें इन्होंने लेजर भी करवाया था। अब खुद सोचिए कि लोग अपने चेहरे के साथ कितना अब्यूज करते हैं, लेजर करवा लेते हैं, पील करवा लेते हैं, क्रीम तरह तरह की क्रीम लगाते रहते हैं, तो ये एक तरह से चेहरे को अब्यूज करना हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेहरा आपका मतलब कोई कपड़ा नहीं है या कोई बर्तन नहीं है कि आप उसको धो देंगे, रगड़ देंगे, साफ कर देंगे, प्यार से इसको प्यार से रखिए ना। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने घी लगाया है, घी से और प्रोटीन से इनका चेहरा ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को डाइट बताई हुई है, और मैंने अभी डाइट बताई है आपको, मैंने फाइबर डाइट बताई है आपको, मैंने प्रोटीन डाइट बताई है आपको, मैंने 2 तारीख की वीडियो में डाइट बताई है, उनको अवश्य फॉलो कीजिए। ठीक है, अवश्य फॉलो करने का मेरा मतलब यह है कि अब आप कंफ्यूजन में मत होना कि हम कौन से डाइट फॉलो करें, हम 2 तारीख की करें कि फाइबर की करें कि हम प्रोटीन की कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताई है। आप दोपहर में तो दाल खाते हैं ना, है ना, तो मैंने क्या बता रखा है दालों में आपको, मैंने आपको दालों में बता रखा है सोयाबीन, राजमा, काबुली चने, तो आप ये खाइए दाल में, है ना। खाना खाने के बाद में आप सौंफ खानी है आपको, जैसे मान लीजिए अगर 1 चम्मच आपने सुबह खा ली, 1 चम्मच दोपहर खा ली, 1 चम्मच रात को खा ली, इनफ है आपके लिए, और अगर 2-2 चम्मच खा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपका हो गया, बड़े इजीली आपको हो गया। आपने चिया सीड लेना है, चिया सीड दही में डाल के ले लीजिए, या फिर चिया सीड को आप सलाद में डाल के ले लीजिए, हो गया बस आपका, है ना, कितना इजी है। सवेरे सवेरे में आप जो नीम का जूस पी रहे हैं आप वो ले लीजिए, मतलब कितना इजी है
है इस चीज़ों को करना। मतलब आप लोग ये सोचते हैं कि मैं कभी कुछ बता देता हूँ कभी कुछ बता देता हूँ, लेकिन असल में बात यह है कि मैं कभी कुछ और कभी कुछ नहीं बताता हूँ। मैं सारी चीज़ें एक जैसे ही बताता हूँ आपको हमेशा। मेरी हर एक वीडियो में आपको कहीं ना कहीं हर एक बात मेरी सिमिलर लगेगी, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमेशा एक जैसी वीडियो डालते हैं, चलो ये वाली वीडियो देखना छोड़ देते हैं। बट हर किसी वीडियो में कोई ना कोई नई बात अवश्य होती है। तो जितने भी लोगों ने, मतलब पिछले से पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि कितने लोगों का चेहरा स्टेरॉइड लगाने की वजह से खराब हुआ है, और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उस कमेंट को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। तो आप लोग निराश मत होइए। देखिए, इनका चेहरा 70% ठीक हो गया, लेकिन इनके स्किन के फंक्शंस बिगड़े हुए हैं। इससे अगली जो मैं वीडियो डालूंगा उनमें आप देखना कि एक पेशेंट है, उनसे मेरी बात नहीं हो रही थी, उन्होंने मुझे जस्ट ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड किया था। वो हमारा ट्रीटमेंट ले रही है पिछले 1.5 साल से। अब जाके उनकी स्किन की कंडीशन बहुत बेहतर हो गई है, बहुत अच्छी उनकी स्किन की कंडीशन हो गई। सब लोग बोल रहे हैं कि अब आपका पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है, और अब वो उस स्टेज से बाहर आ गई है जब हम बोलते हैं कि पिगमेंटेशन लाइट हो रही है, डार्क हो रही है। अब उनकी वो धीमे धीमे करके खत्म ही होती जा रही है, फटती चली जा रही है। वो मैं आपको कमेंट अवश्य सुनाऊंगा। इस वीडियो में मुख्य चीज ये थी कि अगर आपका चेहरा लेजर से, स्टेरॉइड से अगर खराब हुआ है तो आपका चेहरा ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है। आपको निराश होने की, घबराने की कोई आवश्यकता, ठीक है, मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। परमात्मा सभी का भला करे।